गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टू वीडियोस में देख हमने चैप्टर फर्स्ट की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। आज हम इसमें देखेंगे अपने फंडामेंटल राइट, जो हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है हमारी बुक फर्स्ट में, वो कौन सा फंडामेंटल राइट का चैप्टर दिया गया है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले से बताता चला आ रहा हूँ कि जितने भी राइट्स वगैरह आ रहे हैं वो किस में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में। और फंडामेंटल राइट के विषय में मैंने कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देता चला आ रहा हूँ आप लोगों के। कुछ राइट्स भी मैंने मेंशन किए हैं, उन सारे राइट्स के डिस्क्रिप्शन हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। और कुछ आर्टिकल भी मैंने डिस्कशन किए हैं, तो उनके विषय में भी हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इसके पहले आपको पहला चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है, अगर वो नहीं देखेगा इन्हें, तो मुश्किल होगी उनके लिए आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो जो भी लेक्चर पहले भेजे गए हैं आप लोगों के लिए, उनको अच्छी तरह से तैयार करिए। उनके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं आपको एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। तो हम क्या करते हैं, अपने आज चैप्टर फर्स्ट की ओर देखते हैं, चैप्टर सेकेंड की ओर देखते हैं, जो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट क्या है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, बनकर के तैयार हो गया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया 49 को, तो इसमें से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या किया गया था, चेक किए गए थे, इनमें ऑलरेडी डिस्कशन किया गया था। तो राइट इक्वालिटी यानी कि बहुत सी चीज़ें क्या की गई थी, तो इनमें से एक फंडामेंटल राइट भी थे हमारे, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी। और जो फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मैंने बताया था कुछ ना कुछ चीज़ें भी ली गई हैं इधर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसी तरह जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए थे। तो इसी तरह हमारे जो फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए, और ये स्टार्ट कहाँ तक है, ये कहाँ से होते हैं हमारे, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 35 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 35 तक जाएंगे हमारे फंडामेंटल राइट। लेकिन हम पढ़ेंगे कहाँ से इनको, 14 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे, विद आर्टिकल पढ़ेंगे। हम डिस्क्रिप्शन बस नहीं देंगे, विद आर्टिकल देखेंगे उनको। इस तरह तो राइट्स होते क्या हैं, राइट्स क्या है किसी भी व्यक्ति के लिए, राइट्स क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। क्या है राइट्स, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो राइट्स क्या, एक व्यक्ति जीवन तो सब कोई जीता है, लेकिन बिना राइट के जीना कोई जीना नहीं है। तो यही क्या है उसमें से, राइट्स क्या है, किसी भी व्यक्ति के अपने विकास के लिए, उस डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए कुछ राइट्स की व्यवस्था की है। लेकिन ये राइट्स आए क्या, पहले ये आए कहाँ से, इसकी बात करें तो क्या आपको मालूम होगा, जैसे कि यूएसए कब आज़ाद हुआ था, 1976 को यूएसए आज़ाद हुआ था। तो वहीं से सबसे पहले जो बात की गई थी, किसकी बात की गई, कि यूएसए जो अडॉप्ट किया गया, जो हमारे राइट्स अडॉप्ट किए, यूएसए से अडॉप्ट किए गए थे। क्योंकि सबसे पहले ये तो देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से अगर देखा जाए, तो वहाँ पर भी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी की बात होने लगी थी, जिनको हमारे स्थान में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में स्थान दिया गया है। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी बहुत से वर्ड लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर तो वहाँ से कुछ ना कुछ वर्ड निकल के आए हमारे पास में। फिर क्या होता है, फिर 1776 को जब यूएसए आज़ाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बाद में बना यूएसए का, लेकिन जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार होता, तो उन्होंने किसकी बात की, इक्वालिटी है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट लेकर के आते हैं, वो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट लेकर के आते हैं। जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, राइट क्या है, राइट देना, उन्होंने बताया कि राइट क्या होते हैं। तो उनका क्या किया गया, यही फायदा किसको मिलता है, भारत को मिलता है। भारत क्या कर देता है, इस सबको अच्छी तरह से स्टडी करता है, और बाद में क्या कर देता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट को स्थान दे दिए जाते हैं। और ये कहाँ से बारो किए जाते हैं, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 395 आर्टिकल हैं, लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कितने आर्टिकल, 7 आर्टिकल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। तो इसी तरह हमारे फंडामेंटल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट को जगह दी गई है, सिक्स राइट्स को जगह दी गई है। जैसे कि मैंने बताया कि राइट्स होते क्या हैं, राइट क्या है, किसी भी व्यक्ति को डेवलपमेंट के लिए राइट बहुत ही जरूरी होते हैं। इनका वायलेशन कोई नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी चाहे तो इनका वायलेशन नहीं कर सकती। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं कि इनको कब वायलेशन का, कब इनको हटाया जा सकता है, लेकिन पूरे कुछ राइट्स होते हैं जो कभी भी नहीं हटते हैं, किसी भी सिचुएशंस में नहीं हटाया जा सकता उनको। लेकिन राइट्स क्या है, इनको हटाया भी जा सकता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, देश में अगर कभी इमरजेंसी लगा दी जाए तो उस समय क्या होते हैं, हमारे राइट्स का वायलेशन हो जाता है, यानी कि राइट्स को हटाना पड़ता है। लेकिन कुछ इनमें से भी राइट्स होते हैं जो कभी नहीं हटते, जो हमेशा व्यक्ति के लिए जरूरी ही होते हैं, लेकिन इमरजेंसी के समय हमारे क्या है, राइट्स को हटा दिया, सस्पेंड किए जा सकते हैं।
हमारे यहाँ जैसे इमरजेंसी कब लगी थी, सबसे पहले 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था अपने बेनिफिट के लिए, क्या उन्होंने कर दिया, देश में इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में, और 77 तक रही लगभग 22 महीने तक, 27 महीने तक रही। तो ये कंडीशन क्या हम लोगों ने देखा 1975 में, तो उस समय बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन ने भी चेंज लेकर के आए हम लोगों ने, कि जिसके तहत क्या किया जाए ये सब हम लोग क्या करें, इस कि कोई इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना कर सके, इस तरह इसका ज़्यादा फायदा ना उठाया जा सके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से उस समय चेंज लेकर के आता है। तो ये कंडीशन देखेंगे अभी कौन कौन से चेंज हुए थे, लेकिन जैसे कि हमने समझे कि राइट्स क्या हैं, राइट के कहाँ से आए, राइट्स की आवश्यकता क्यों हुए हैं, तो ये सब क्या है हमारे फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट के मैंने डिस्क्रिप्शन बताया कहाँ पर है, पार्ट 2 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, और कितने आर्टिकल में डिवाइड किया गया है, 395 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनमें से जो फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिप्शन किया गया है वो किस पार्ट में किया गया है, पार्ट 3 किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पार्ट 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बताएंगे क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। तो इसी तरह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट डिस्क्राइब किए हैं, कितने डिस्क्राइब किए गए हैं, 6 है। कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक है आर्टिकल नंबर, हम आर्टिकल से देखेंगे आपके बुक में आर्टिकल्स नहीं दिए गए होंगे इस तरह। राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, 14 से लेकर 18 तक। फिर जो हमारा नेक्स्ट राइट स्टार्ट होता है वो कौन सा है, राइट टू फ्रीडम है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, 19 से लेकर 22। जो राइट जो हमारा थर्ड आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या है, किस आर्टिकल तक दिया गया है, 23 से 24 तक दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। राइट रिलीजन जो आता है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 25 से लेकर 28 तक, इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। फिर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आता है हमारा, इसका डिस्क्रिप्शन किस में किया है, 29 से लेकर 30 में किया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका किस में किया गया है, आर्टिकल नंबर 32 में किया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। हम प्रत्येक राइट के विषय में देखेंगे अलग से, ये तो मैंने सिर्फ बताया कि राइट्स कितने हैं, कितने राइट्स हैं। फिर एक हमारा राइट्स आता है राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 6 राइट नहीं थे, इसमें कितने राइट थे, 7 राइट थे। इसको क्या कर दिया जाता है 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और कहाँ रख दिया जाता है, 300 के ए में रख दिया जाता है। कहाँ रखा जाता है उसको, 300 के ए में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, 300 के ए में रख दिया जाता है उसको, और वो क्या है, एक लीगल राइट है, आप फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो क्या है, एक कानूनी अधिकार है, आप उसमें मौलिक अधिकार नहीं कह सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जितने फंडामेंटल राइट हैं जो 6 हैं, इनको क्या कर दिया जा कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, इनका गवर्नमेंट वायलेशन नहीं कर सकती है। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, मैंने कई बार आर्टिकल का नाम लिया है, आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनका वायलेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, ये बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, कब हटाया गया था, 1978 में, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, न कब हटाया गया, 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था उस समय, 44, कौन सा, 44 अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे संविधान से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये क्या थी, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी फंडामेंटल राइट के विषय में, हम क्या करेंगे इसकी डिटेल स्टडी देखेंगे, एक एक राइट के विषय में देखेंगे अच्छी तरह से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, नेक्स्ट लेक्चर पर देखते हैं।